गोशामय से भाजपा एमएलए राजा सिंह ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रैली में हिस्सा लेते हुए अपने शरंगेज बयारात का सिलसिला जारी रखा। इस रैली में 1000 आरएसएस कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां रैली में सैकड़ों आरएसएस कारकुनों ने नारे लगाए, तो वहीं राजा सिंह ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी को देशद्रोही यानी गद्दार करार देते हुए भड़काऊ बयान दिया है। राजा सिंह ने कहा कि दोनों भाइयों को चाहिए कि वो वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगाए और करीबी आरएसएस शाखा ज्वाइन करे। जागरूकता पैदा करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आज अनेकों शाखाएं लगाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वदान में बहुत सारे नौजवानों में देशभक्ति, धर्म भक्ति एवं समाज किस ओर जाना चाहिए और समाज का नौजवान, देश का नौजवान किस प्रकार से देश की रक्षा के लिए तैयार हो, ऐसी सोच रखने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हित में कार्य करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को जोड़कर मैं एक देशवासी हूँ, ये मेरा देश है, ऐसी भावना हर वो व्यक्ति में जगाती है। तो दूसरी तरफ ओवैसी जैसे देश के गद्दार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करो और अनेकों प्रकार का कॉमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर संघ पर किया जाता है। मैं असदुद्दीन ओवैसी और उसके बागी यानी देशद्रोही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कहना चाहूँगा कि तुम लोगों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आज सम्मिलित होने की आवश्यकता है, ज्वाइन होने की आवश्यकता है। जब तक तुम दोनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हित में कार्य करती है या देश के विरुद्ध कार्य करती है, तभी तुम्हें पता चलेगा। मैं तो तुम दोनों भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि तुरंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा तुम लोग ज्वाइन करो, तब तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में देश के प्रति भावना जगेगी। आज छोटा भाई और बड़ा भाई देश के विरुद्ध बात करते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं गाते, भारत माता की जय क्यों कहा जाता है और वंदे मातरम क्यों गाया जाता है, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में तुम जाओगे। वहीं पर देश के प्रति, धर्म के प्रति ज्ञान मिलता है और देश के विरुद्ध कोई भी ताकत हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी संस्था है जब प्रणाम भी करती है और लाठी उठाकर देशद्रोहियों को देश से बाहर भी भगाना जानती है। तो मैं जितने भी भारत देश के देशद्रोही है जो भारत माँ की जय नहीं कहते, जो वंदे मातरम नहीं गाते, उनको मैं कहना चाहूँगा आज का भारत भारत माता की जय कहने वाला भारत होना चाहिए, आज का भारत वंदे मातरम गाने वाला ऐसा भारत होना चाहिए। जो भी व्यक्ति भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं गाएगा,
समझो उनकी भारत देश में कैर नहीं और उनको भगा भगा कर या पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा या नहीं तो मूरों के पास भेजा जाएगा। मैं असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा कराना छोड़ दे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा तुरंत ज्वाइन करे, तभी तुम्हारे मन में देश और धर्म के प्रति जागरूकता पैदा होगी। धन्यवाद।